वाराणसी के मां श्रृंगार गौरी प्रकरण के बीच आज ज्ञान वापसी से संबंधित एक नए मुकदमे पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई होगी। ये मुकदमा विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह ने दाखिल किया है। इस मुकदमे की सुनवाई दोपहर 2 बजे से होगी। जितेंद्र सिंह बिसेन के अनुसार किरण सिंह ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान को लेकर मुकदमा दाखिल किया है। गोंडा जिले की रहने वाली किरण सिंह विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री है। मुकदमे के माध्यम से अदालत से उन्होंने मांग की है कि ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पक्ष का प्रवेश प्रतिबंधित हो, ज्ञानवापी का संपूर्ण परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। इसके अलावा भगवान विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग जो सबके सामने प्रकट हो चुके हैं, उनके नियमित पूजा पाठ शुरू करने की अनुमति दी जाए। यूपी विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन, वहीं विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही कई विधायकों की सीट बदल दी गई। सीट बदलने को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना से विधायकों की सीट बदलने की मांग की थी। इसके अलावा सपा के 12 अन्य विधायकों ने भी सीट बदलने की मांग रखी थी। शिवपाल यादव की चिट्ठी पर आज कई विधायकों की सीट बदली गई। इससे पहले सपा सदस्यों ने अखिलेश यादव से भी सीटों को लेकर दिक्कतें जताई थी। 17 विधायकों की विधानसभा में सीट बदली गई है। संगम नगरी प्रयागराज के यमुना पार इलाके में एक युवक को प्यार करना भारी पड़ गया। अपनी प्रेमिका से मिलने गए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पहली नजर में यह ऑनर किलिंग का मामला नजर आ रहा है। गोली किसने मारी अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सका है। प्रेमी प्रेमिका को गोली लगने की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर घायल युवती को अस्पताल में ले गए। वहीं प्रेमी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। श्रावस्ती को नई एम्बुलेंस की सौगात मिली। डीएम नेहा प्रकाश ने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा 108 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीडीओ, सीएमओ और प्रोग्राम मैनेजर भी शामिल रहे। मिर्जापुर में तेज आंधी से पेड़ की डाल सड़क पर टूटकर गिर गई। हादसे में लोग बाल बाल बचे, लेकिन बारिश की वजह से बिजली आपूर्ति कुछ देर तक बाधित रही। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। अलीगढ़ में डीएम ने ड्रग वेयरहाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डीएम ने मुख्यालय से प्राप्त दवाओं की सूची समय समय पर अपडेट करने के निर्देश दिए। उपलब्ध दवाओं को सीएससी, पीएससी और एएनएम को समय से उपलब्ध कराने को कहा। रायबरेली में सड़क के कार्य में मानक अनुरूप कार्य न होने से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने ठेकेदार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कानपुर में डीएम ने बुजुर्गों से दुर्व्यवहार किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डीएम ने बताया कि उन्होंने दंपति से किसी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं किया था, बल्कि वायरल वीडियो को काट कर दिखाया था, जिसकी जांच कराई जा रही है। नोएडा में पुलिस ने कुछ दिनों पहले हुए ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपी मोहित और विवेक सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 2 तमंचे, 2 कारतूस और 1 खून से सना पत्थर भी बरामद किया है। एटा में पुलिस ने लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शातिरों से पुलिस ने अवैध असलहा और कारतूस बरामद किए हैं। 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। अलीगढ़ में साइबर क्राइम पुलिस ने ठगी के शिकार हुए युवक के रुपए वापस दिलाए। ठगों ने क्रेडिट कार्ड से एनडेक्स ऐप के जरिए 1,11,099 रुपए की धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल जांच कर पीड़ित के खाते में धनराशि वापस करवाई। अमेठी में गुन्नौर मोड़ के पास अज्ञात वाहन सवार ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां युवक को मृत घोषित कर दिया गया। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद एक शातिर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर हत्या, लूट और डकैती के कई केस दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और 18 कॉटेज बरामद किए हैं। मिर्जापुर में मदरसा शिक्षकों ने सरकार पर 5 साल से वेतन ना देने के आरोप लगाए हैं। शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बिजनौर के रेहड़ क्षेत्र में खेत पर काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। रायबरेली में टेबलेट न मिलने पर आईटीआई शिवगढ़ के छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ कॉलेज प्रशासन भेदभाव कर रहा है। इस पर कॉलेज प्रशासन का कहना है कि ड्रेस मेकिंग ग्रेड के लिए अभी तक 4 छात्रों को टेबलेट प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर के जिगना क्षेत्र में भीषण आंधी तूफान ने जिले में जमकर तांडव मचाया है। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, पशुओं ने भी जान गंवाई। भीषण आंधी के बाद हुए बारिश ने खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा दिया।
अलीगढ़ के अचरौली थाना क्षेत्र में जंगल में एक युवक का सिर कटा शव मिला। सिर कटा शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में फ्लोरा एनक्लेव के सैकड़ों रेजिडेंट में सोसाइटी में सफाई व्यवस्था न होने और सीवर का पानी घरों में घुसने को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया गया। सभी रेजिडेंट का आरोप है कि कई बार जिला प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। गाजियाबाद में नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने सभी मार्केट की जनता और व्यापार मंडल अध्यक्ष, मार्केट प्रधान और व्यापारियों से अपील की है कि कोई भी व्यापारी अपने दुकानों के आगे अतिक्रमण ना करे, नहीं तो सड़क के किनारे रखे हुए सामान को जब्त किया जा सकता है। सभी व्यापारी और व्यापार मंडल इस कार्य में सहयोग करे और सड़कों पर अतिक्रमण ना करे। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में लोगों ने अकराबाद तहसील बनाव को लेकर क्षेत्रीय विधायक से मांग करते हुए कहा कि अकराबाद नेशनल हाईवे पर स्थित है। यहाँ कई इंटर कॉलेज के साथ तहसील के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। क्षेत्रीय लोग पिछले कई सालों से अकराबाद तहसील की मांग करते चले आ रहे हैं। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में चौकी इंचार्ज से परेशान युवक ने आत्महत्या की धमकी दी। युवक ने आरोप लगाया कि एक साल पहले मैंने मेडिकल स्टोर खोला था। चौकी इंचार्ज ने मुझसे 25,000 रुपए प्रति महीने अवैध रुपए लेता था। मना करने पर भी कहता नहीं देगा तो मेडिकल स्टोर नहीं चल पाएगा। मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन मुजफ्फरनगर और एनडीआरएफ के संयुक्त तत्वाधान से त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज में औद्योगिक क्षेत्रों में आपातकाल के समय सभी आपातकालीन संस्थाओं को बुलाया गया और मेगा मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के 24 विभागों ने मिलकर एनडीआरएफ 8वीं बटालियन गाजियाबाद और एसडीआरएफ मुरादाबाद की ओर से इस मॉक एक्सरसाइज को पूर्ण किया, जिसका संचालन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हुआ है। गाजियाबाद में सीमा से सटी शराब की दुकानों पर दी जा रही भारी छूट जल्द ही खत्म होने वाली है। अधिकारियों का कहना है कि इससे गाजियाबाद और नोएडा में दिल्ली से शराब की तस्करी की संभावना बढ़ गई है। आबकारी विभाग ने गाजियाबाद में चेकिंग अभियान चलाया। गाजियाबाद के सभी बॉर्डर पर आबकारी विभाग ने हर एक व्यक्ति की चेकिंग की, जिसमें काफी तादाद में लोगों पर शराब की बोतलें मिली हैं, जिसमें कि 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। फतेहपुर में बेकाबू डीसीएम ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में एक जीजा और साले की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखीमपुर खीरी में टेम्पो और दो बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर है। अलीगढ़ में पुरानी तिरपाल को लेकर दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग हो गई, जिसके चलते इलाके में भगदड़ मच गई। मारपीट में एक युवक घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, दूसरे पक्ष को हिरासत में लिया है। गाजियाबाद के लोनी में अवैध रूप से चलाए जा रहे गेस्ट हाउस और ओयो होटल पर उपजिला अधिकारी और विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की गई। लगातार शिकायत के बाद उपजिला अधिकारी ने ओयो होटल को जीडीए द्वारा सील किया। कुशीनगर में एक कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नोएडा में बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने तमंचा, बाइक और 3 मोबाइल बरामद किए हैं। हरदोई के कस्बा गोपामऊ निवासी के गौ तस्कर बसीर गौकशी की 28,50,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। डीएम के आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। झांसी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक रूण कुमार चौरसिया के नेतृत्व में अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने खुदाई कर अवैध शराब बरामद की। आगरा में पड़ोसी युवक द्वारा एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला देखने को मिला। बच्ची के पिता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अम्बेडकर नगर के कल्याणपुर गांव में शराब पीने से मना करने पर गुस्साए बारातियों ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बिजनौर के जंगल में अज्ञात युवक का अधजला शव मिला है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और शव की शिनाख्त करने में जुट गई है। फतेहपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने साफ किया है कि यात्रा को कहीं पर भी रोका नहीं है।
यात्रा पड़ावों पर जरूर यात्रियों की सुविधा के हिसाब से उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा मार्ग पर यात्रा पड़ाव, सोनप्रयाग और कुछ अन्य जगहों पर यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए रुक रुक कर भेजा जा रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही चारधाम यात्रा मार्ग पर बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी, जिसे देखते हुए प्रशासनिक अमला व्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहा है। बारिश रुकने के बाद यात्रा को व्यवस्थित की जा रही है। तीसरी गाड़ी की नंबर प्लेट हटाकर उस पर चौधरी लिखा हुआ है। हालांकि ये तीनों वीडियो मोदी नगर की है। किसी ने ट्वीट पर वीडियो पोस्ट कर गाजियाबाद पुलिस से मामले की शिकायत की है। गाजियाबाद के मोदी नगर के निवाड़ी रोड स्थित बाजार में कार से स्टंट करने के तीन वीडियो एक साथ वायरल हुए हैं। इसमें दोनों हाथों में ट्रॉफी जैसी वस्तु लिए एक युवक सनरूफ खोलकर कार के ऊपर स्टंट बाजी कर रहा है। दूसरे में स्कॉर्पियो पर ऊपर बैठकर स्टंट करता हुआ युवक नजर आया। आगरा के शाहगंज क्षेत्र में डॉक्टर ओपी यादव चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पर तीमारदारों ने हंगामा किया। 4 महीने के बच्चे की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। फतेहपुर के मीरपुर गांव में पुलिस टीम पर पथराव के मामले में 22 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 30 नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। अलीगढ़ के थाना देली गेट क्षेत्र में पति ने घरेलू कला के चलते पत्नी पर तेजाब से अटैक कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसके बाद मायके पक्ष में महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। गाजियाबाद के लोनीबंदा नहर पर साबुन बनाने वाली अवैध फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही है। यहाँ जानवरों की चर्बी से साबुन बनाई जाती है, जिससे इलाके में काफी दुर्गंध है। अमेठी में तेज रफ्तार बोलेरो ने बुजुर्ग महिला को ठोकर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आगरा में रुपए वसूलते हुए दरोगा सिपाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सादे कपड़ों में दरोगा लोगों से वसूली करता और धमकाता नजर आ रहा है। बाराबंकी में कंटेनर ट्रक और टवेरा गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सड़क पर अचानक आए जानवरों की वजह से हादसा हुआ। लखनऊ में युवक ने गोमती नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक को बाहर निकाला। गंभीर हालत में युवक को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। संभल में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हो गई, जिसमें 2 पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बांदा में पुलिस ने शहर के संवेदनशील स्थानों से लेकर शहर के मुख्य चौराहों तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान अवैध पार्किंग और अवैध अतिक्रमण लगाए लोगों को सख्त चेतावनी दी गई। कानपुर देहात में तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप ने सड़क किनारे सो रहे 7 लोगों को रौंद दिया। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती करवाया गया। स्थानीय लोगों ने पिकअप चालक को पुलिस के हवाले किया। मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग के साथ तमंचे के बल पर पड़ोसी युवक द्वारा बलात्कार करने के आरोप लगे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर खीरी में बाइक सवार की आवारा पशु से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया। घायल को सीएससी में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेट का पत्थर फिर से गिर गया। बड़ा हादसा होने से यह टला है। आपको बता दें कि पिछले 1.5 साल में 3 बार गेट का पत्थर गिर चुका है। एएमयू के कर्मचारियों ने गिरे हुए पत्थर की मरम्मत को लेकर काम शुरू कर दिया है। गोंडा के छपिया थाने में दबंगों ने घर में घुसकर एक ही परिवार के कई लोगों को पीटा। घटना के बाद सप्ताह भर बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद पीड़ितों ने एसपी डीआईजी से न्याय की गुहार लगाई है।